प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी के अंतर्गत अध्याय 15 सूरदास के जो पद हैं उसका हिंदी कार्य पुस्तिका का कार्य करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे चैनल नवजल एजुकेशन शिलारपुर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कॉमेंट करें। अब सबसे पहले प्रश्न आता है, पद क्या है? पद वह विधा है जिसके अंतर्गत कविता, काव्य, गीत, भजन आदि लिखे जाते हैं, उसे पद कहा जाता है। सूरदास के गुरु का नाम क्या था? सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। सूरदास के पदों में वात्सल्य रस की प्रधानता देखने को मिलती है। अब ये प्रश्न आता है, वात्सल्य रस क्या होता है? माता या पिता का पुत्र के प्रति जो प्रेम होता है उसको वात्सल्य रस कहा जाता है। फिर प्रश्न आता है, सूरदास के जो पद हैं उनका मूल भाव क्या है? सूरदास के पदों का मूल भाव गोपियों की श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम, भक्ति, आसक्ति और स्नेहमयता प्रकट हुई है। यही सूरदास के पदों का भाव है। सूरदास के आराध्य देव कौन है? सूरदास के आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण है। सूरदास सगुण काव्य धारा के कवि हैं। सूरदास ने कुल कितने पद लिखे? सूरदास ने 7 से 8 हज़ार पद लिखे। सूर के काव्य की भाषा क्या है? सूर के काव्य की भाषा ब्रज भाषा है। सूरदास ने अपने काव्य में किसका वर्णन किया है? सूरदास ने अपने काव्य में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। अब सबसे पहले देखिए प्रश्न एक, खाने पीने की कोई 5 चीज़ें लिखो जिनसे बच्चे स्वस्थ रहते हैं। सादा भोजन करना चाहिए, जंक फूड से परहेज करना चाहिए, फलों को खाना चाहिए, दूध को पीना चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए। इन सभी कामों को अगर हम करेंगे तो जो बच्चे हैं वो स्वस्थ रहेंगे। प्रश्न दो, कविता में बेनी का क्या अर्थ है? किसकी बेनी लंबी और मोटी बताई गई है? यहाँ बेनी का अर्थ है बालों की चोटी होता है। श्री कृष्ण की बेनी को लंबी और मोटी बताया गया है। प्रश्न तीन, श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। सूरदास के पदों में श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन देखने को मिलता है। इन पदों में श्री कृष्ण अपनी माँ से कहता है कि मेरी यह चोटी कब बढ़ेगी और मोटी कब होगी? आप मुझे कितने दिनों से दूध पिला रही हो? प्रश्न चार, देशा में देश हरियाणा जित दूध दही का खाना, इस कथन के संबंध में विचार व्यक्त करते हुए बताओ कि वर्तमान समय में दूध की क्या स्थिति है? देशा में देश हरियाणा जित दूध दही का खाना, इस कथन के अनुसार दूध की जो स्थिति पहले थी उसमें बहुत ज़्यादा हरियाणा में गिरावट आई है। प्रश्न पाँच, नागिन सी भूई लोटी, इस पंक्ति को ध्यान से पढ़ो। इसमें चोटी की तुलना समानता नागिन से की गई है। जब किसी वस्तु की समानता किसी अन्य वस्तु से की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। तुम भी उपमा अलंकार का एक उदाहरण लिखो। हम उपमा अलंकार का एक अन्य उदाहरण लिख रहे हैं, पितरपात सरिस मंडोला हाय फूल सी बच्ची, ये 2 उदाहरण दिए गए हैं। प्रश्न छः, द्वंद्व समास के उदाहरण लिखने हैं। लंबी मोटी, लंबी और मोटी द्वंद्व समास है। माखन रोटी, माखन और रोटी, हरी हलधर, हरी और हलधर, दूध दही, दूध और दही, ढूंढी ढंडोरी, ढूंढी और ढंडोरी, काडत गुहत, काडत और गुहत, ये सारे द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। प्रश्न सात, कभी तुमने पारंपरिक रामलीला तथा कृष्णलीला की नाट्य प्रस्तुति देखने का अवसर मिला होगा। तुम उस अनुभव को अपने मित्रों के साथ बांटो और सार अपने शब्दों में लिखो। हाँ, हमने पारंपरिक रामलीला और कृष्णलीला को देखने का मौका मिला है। रामलीला में राम की लीलाओं का वर्णन देखने को मिलता है। श्री कृष्ण लीला में श्री कृष्ण की लीलाओं का दीदार होता है।
कभी वे माखन खाते हैं, कभी वे मटकियों को तोड़ते हैं तथा कभी अपनी लीलाओं से गोपियों के मन को हरते हैं। प्रश्न 8, अपने बचपन की कोई एक मजेदार घटना अपने शब्दों में लिखो। मैं अपने मित्रों के साथ बचपन में पर्वत पर घूमने के लिए हमारे क्षेत्र के पर्वत डोसी पर गया। वहाँ पहाड़ के ऊपर नारनौल में महर्षि चवन का आश्रम है। इस पहाड़ पर हमें कम से कम 6 या 7 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। हम सभी सुबह सुबह डोसी पर्वत पर हमने चढ़ना शुरू किया तथा 3 घंटे में पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। वहां हमने पर्वत के ऊपर प्राकृतिक वातावरण का आनंद लिया। प्रश्न 9, अपने परिवार या पास पड़ोस में 6 माह में 1-1.5 साल तक के बच्चों का अवलोकन करो। वह ऐसी क्या क्या गतिविधियां करता है जिससे घर वालों को प्यार और गुस्सा आता है? खेलता है तो अच्छा लगता है, उसका मुस्कुराना लोगों के मन को मोह लेता है और सभी खुश होते हैं। वो रोता है तो बुरा लगता है, वो किसी चीज़ को लेने की अट करता है तब बुरा लगता है। प्रश्न 10, अपने परिवार के एक छोटे बालक की लीला की तुलना सूरदास के बालक श्री कृष्ण की लीला से करो। बालक कृष्ण श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे माँ, मैंने माखन नहीं खाया तथा चुराया भी नहीं। जब बच्चे को दूध पीने के लिए कहते हैं तो पीने से मना कर देता है।